हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं धीरज अवस्थी आपको कृषि सस्य विज्ञान पढ़ाऊंगा। जैसा कि बताया पिछले वीडियो में कि सिंचाई क्या है, आज हम बताएंगे सिंचाई की विधियां। सिंचाई जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, पृष्ठीय सिंचाई और अधोपृष्ठीय सिंचाई। पृष्ठीय सिंचाई उसे कहते हैं जो भूमि की ऊपरी परत के ऊपर सिंचाई की जाती है, और अधोपृष्ठीय सिंचाई वह होती है जो भूमि की ऊपरी परत पर ना होके पाइपों में या बंद नालियों में की जाती है, अर्थात जो निचली परत में की जाती है वो अधोपृष्ठीय सिंचाई होती है। पृष्ठीय सिंचाई में नंबर एक बाढ़ कृत या तोड़ सिंचाई है। बाढ़ कृत जैसे जिसे हम अल्पावन विधि कहते हैं, जो खुले क्षेत्र में जैसे धान के खेत में की जाती है, उसे हम बाढ़ कृत या तोड़ सिंचाई कहते हैं। दूसरी है कुंड सिंचाई विधि, कुंडों में सिंचाई, जिन फसलों के लिए कुंडों की आवश्यकता होती है, कुंड बनाए जाते हैं उनमें कुंड सिंचाई विधि की जाती है। तीसरी क्यारी या पट्टी सिंचाई विधि, इसमें क्या होता है बाढ़ कृत या अल्पावन विधि के ही समान हम बनाते हैं, परंतु इसमें क्षेत्र को छोटी छोटी क्यारियों में विभाजित कर लेते हैं, जिसे हम क्यारी या पट्टी सिंचाई विधि कहते हैं। चौथी है थाला या बेसिन विधि, जैसे बागवानी फसलों के लिए थाला बना लेते हैं और थालों में सिंचाई करते हैं, जिससे काफी पानी की बचत होती है। पांचवी है समोच्च कुंड विधि, जिन स्थानों पर भूमि ढालू होती है, अर्थात 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहता है, वहां पर हम समोच्च कुंड विधि का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में। इसी प्रकार अधोपृष्ठीय के अंतर्गत टपकाव या ड्रिप सिंचाई, यानी पानी की कमी के कारण हम क्या करते हैं, पानी की बचत के लिए क्षेत्र में पाइपें डाल देते हैं और उसमें नोजल लगा देते हैं, जिससे पानी बूंद बूंद के रूप में गिरता है, इससे हमारी पानी की बचत होती है और हमारे प्लांट सींच भी जाते हैं। दूसरी है बौछारी सिंचाई विधि, पौधों को पानी की कम मात्रा के लिए जो सिंचाई दी जाती है उसे बौछारी सिंचाई विधि कहते हैं। धन्यवाद।